हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डॉक्टर अरवा बोहरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब बहुत हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफ़ेक्टिव फीमेल हेल्थ टॉनिक एंड फीमेल यूट्राइन टॉनिक के बारे में, जो महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। महिलाएँ इसे कौन कौन सी परेशानियों में इस्तेमाल कर सकती हैं, किस एज की फीमेल्स या वेमेन इसे यूज़ कर सकती हैं, कैसे इसे यूज़ करना है, इसके अंदर मेन होम्योपैथिक कंटेंट क्या क्या है, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर दैट सब्सक्राइब बटन, घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों महिलाओं में मेंसेस रिलेटेड बहुत सी परेशानियां हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमको क्लिनिक में मिलते हैं और ई कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म पे भी हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो ये फीमेल्स कंप्लेन करती हैं मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स के बारे में, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना जिससे हम मीनोरेजिया बोलते मेडिकल टर्म में, या बहुत कम होना जो कि स्कैंटी या लाइट पीरियड्स कहलाते हैं। देन एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है पीरियड्स के दौरान लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होना जिसे हम डिसमिनोरिया कहते हैं। ये तकलीफ़ बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। टीनेजड गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं ये तकलीफ़ बताती हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेंसेस रिगार्डिंग है। इसके अलावा जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी है वो है ल्यूकोरिया, मतलब सफ़ेद पानी की शिकायत। इनके अलावा बैकएक यानी कि कमर दर्द, कमर का दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विमेन में, फीमेल्स में, महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमको। देन कमज़ोरी महसूस होना और थकावट लगना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ाहट होना और खून की कमी होना, ये सारी परेशानियाँ फीमेल्स की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम एक एक प्रॉब्लम पे अलग अलग वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो हम इन जनरल फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए मैं आपको टॉनिक बता रही हूँ। इन सारी परेशानियों के लिए बहुत अच्छी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है WSI जर्मन कंपनी की हर्टोन टॉनिक। दोस्तों मेडिसिन में सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, जिस यूट्राइन टॉनिक की और फीमेल हेल्थ टॉनिक की आज हम बात कर रहे हैं वो है WSI जर्मन की, ये जो श्वाबे कंपनी है इसकी हर्टोन टॉनिक। इसको यूट्रो टॉनिक भी नाम दिया है कंपनी में। इट्स कंप्लीट होम्योपैथिक मेडिसिन, शुगर फ्री हेल्थ टॉनिक है ये और बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। ये मेंसेस को रेगुलर करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेडिसिन। साथ ही साथ अगर आपको डिसमिनोरिया का प्रॉब्लम है, मतलब जैसे मैंने बताया पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, ल्यूकोरिया है, सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है, आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है, या फिर आपका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत ज़्यादा लाइट है, ऑल्सो अगर आपको इनफर्टिलिटी से परेशान है, आप फीमेल इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो उन केसेस में भी ये हर्टोन टॉनिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस मेडिसिन इसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका मेन एक्शन यूट्रस के ऊपर है। सो इंडिकेशंस आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। एक और टॉनिक है जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, विच इज़ हैबेकोमेंसोल टॉनिक। उस पर मैंने अलग से रिव्यू किया हुआ है और वीडियो बनाई हुई है जो चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, उसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिए।
अभी अब हम बात करते हैं हार्टोन टॉनिक के होम्योपैथिक कॉम्पोजिशन के बारे में. इसकी जो पैकेजिंग है इसके एक साइड पर लिखी हुई है, इसका कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है. होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर है एब्रोमा रेडिक्स, जो कि बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर रेगुलर मेंसेस. देन एलेट्रिस फेरिनोसा, अगर आपको ब्लीडिंग रेगुलर प्रॉपर नहीं होती है और या फिर बहुत ज़्यादा होती है, मिनोरेजिया का प्रॉब्लम है, तो एलेट्रिस बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है. देन इसमें कोलोफाइलम जो इरेगुलर मेंसेस अलोंग विद डिसमिनोरिया के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है. सिमिसिफुगा है इसके अंदर, जो बहुत ही अच्छी फीमेल रेमेडी है. देन हेलोनियस है इसमें, और अशोका मदर टिंचर है. इनका एक्शन भी यूट्रस के ऊपर बहुत अच्छा है. साथ ही साथ ये मेडिसिन हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में हेल्प करती हैं, वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करती है, और ओवरऑल आपकी जो यूट्रस की हेल्थ है उसको बनाकर रखने में मदद करती हैं. सो ये इसका कॉम्पोजिशन है. ये जो दो मेडिसिन हैं इसके अंदर, एक है हेलोनियस और जो दूसरी है वो है एलेट्रिस फेरिनोसा. ये मेडिसिन रेयर मेडिसिन है. बाकी की होम्योपैथिक मेडिसिन आपको आसानी से दूसरे होम्योपैथिक फीमेल टॉनिक में भी मिल जाएगी, बट हेलोनियस इज़ वेरी रेयर. तो ये इसमें है और इसका की इंग्रेडिएंट है जिससे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. मेडिसिन मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ. ये मेरे पास जो पैकेजिंग जो मैं बुलवाती हूँ कंपनी से वो 100 ml की है. इस तरीके से ग्लास बॉटल में ये मेडिसिन आती है, हार्टोन यूट्रो टॉनिक होम्योपैथिक मेडिसिन, शुगर फ्री, यहाँ कंपनी की ब्रांडिंग है. दूसरे साइड पे इसमें इसकी क्वांटिटी और MRP डिटेल्स मेंशनड है अलोंग विद कॉम्पोजिशन डोजेज. ये जो मेडिसिन है 100 ml, ये आपको 210 rupees की पड़ेगी. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बट वर्थ इट है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं. तो 210 rupees में आपको ये 100 ml मेडिसिन किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर या फिर ऑनलाइन या आपको healthmark.com या होम्योमार्ट में बहुत आसानी से मिल जाएगी. अब बात करते हैं कि आपको ये मेडिसिन यूज़ कैसे करना है. आप किसी भी इंडिकेशंस जो मैंने मेंशन किए, कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने अभी अभी बताई आपको, उनमें से किसी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, आपको ये मेडिसिन 5 ml आधे कप गुनगुने पानी में डालकर और सुबह शाम लेनी है. खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप ले लीजिए. अगर पानी गुनगुना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नॉर्मल टेम्परेचर में रखे पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं. और अगर पानी के साथ नहीं लेना चाहते तो आप 5 ml इसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं. सिंपली इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, रेगुलर यूज़ करना है. मिनिमम 3 to 6 months आप इसे यूज़ करिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे, आपकी जो ऑल ओवर हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अलॉन्ग विथ योर यूट्राइन हेल्थ. इसे बहुत आसानी से डायबिटिक वेमेन भी ले सकती हैं. अगर आप DM2 से सफ़र कर रहे हैं, इंसुलिन थेरेपी पर हैं, तो भी आप हार्टोन को ले सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है. तो आपका जो बॉडी है उसको ज़रा भी नुकसान इस मेडिसिन से नहीं होगा. गाइज, अगर आप किसी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से, डिसमिनोरिया से, ल्यूकोरिया से, या फिर आप वीकनेस अलोंग विद इरेगुलर मेंसेस, इन सारी कंप्लेन से सफ़र कर रहे हैं, तो आप हार्टोन लेना स्टार्ट करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी. इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. Thank you so much for watching. Love you all.